मल्टीप्लिकेशन की मेथड का यूज करके क्वेश्चन जो नंबर दिया है ठीक है उसका फैक्टराइजेशन करना है, पर उसके फैक्टर कैसे आने चाहिए, प्राइम नंबर्स, ठीक है। लेट सी कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। एग्जांपल 28, यहाँ पे 28 दिया है ठीक है, तो यहाँ पे हम 28 लिखेंगे। देखिए कि 28 कौन से टेबल के अंदर आता है, 14 to the 28, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो हम ऐसे भी इसको लिखेंगे। हम 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 14 कौन से टेबल में आता है, 7 के, 7 to the 14, अब अगेन 12 तो प्राइम नंबर है ना, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हम लास्ट लेक्चर में यानी कि जब ये फैक्टराइजेशन का लेक्चर था तब हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, बट रिविजन टाइम में मैं बोल देती हूँ कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, विच इज डिवाइडेड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि 2 हो, तो 2 को हमें डिवाइड करना हो तो 1 से कर सकते, अदरवाइज 2 खुद से डिवाइड होता है, 2 को हम खुद से डिवाइड कर पाएंगे, कोई ऐसा नंबर दूसरा नहीं है जिससे हम 2 को डिवाइड कर पाएंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है प्राइम नंबर, यहाँ पे भी 2 है, देखो 7 भी, देखो 7 को हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज 7 से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 7 प्राइम नंबर है। Now question 124. So 24 कौन से लेवल में आता है? 12 to the 24. तो हम लिखेंगे 12 to the 24. और यहाँ पे क्या है? 12 कितना है? और 12 कौन से लेवल में आता है? 2 6 the 12. हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखो 2 मिल गया प्राइम नंबर, ये भी 2 मिल गया प्राइम नंबर, 6 प्राइम नंबर नहीं है। अभी इसके भी फैक्टर निकालेंगे। तो 6 कौन से लेवल में आता है? 2 3 the 6. तो 2 multiply 3, तो देखो तो ये यहाँ पे जो भी मिले नंबर वो सारे प्राइम नंबर है ना। 32 16 to the 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर ऐसे भी हम इसको लिखते हैं कि 16 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 16 को तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं ना, तो 16 प्राइम नंबर नहीं है, बट 16 के हमें फैक्टर निकालना है। 2 multiply 8, तो देखो यहाँ पे 2 जो मिला वो प्राइम नंबर है, अभी 8 जो मिला है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 के भी फैक्टर निकालेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 4 the 8, तो यहाँ पे जो 2 मिला वो प्राइम नंबर है, हम 4 के फैक्टर निकालो, 2 to the 4, तो यहाँ पे 32 के जो भी यहाँ पे फैक्टर मिले वो सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर ना। 36 कौन से टेबल में आता है, 9 for the 36, ना 4 के हम फैक्टर निकालेंगे, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, तो 4 2 to the 4, तो मिल गए 2 2, ठीक है। अब 9 के फैक्टर निकालो, 3 3 the 9, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया है यहाँ पे ना। 40 कौन से टेबल में आता है, 40 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 times the 40, हम लिखेंगे 4 times the 40। अब 4 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 का 2 to the 4 ना, 2 5 the 10, तो यहाँ पे जो भी नंबर मिले वो सारे क्या है, प्राइम नंबर ना। फिगर 52, तो 52 कौन से टेबल में आता है, 2 multiply 26 करते हैं, तो क्या करेंगे, 2 रेजिडीज हम लिख देंगे यहाँ पे, और 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 32 the 26, तो 2 मिल गया हमें, 13 का करना है, बट 13 भी प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 13 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम 13 को खुद से 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे हम 13 को डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पर 52 के जो भी नंबर मिले, यहाँ पर फैक्टर्स मिले सारे क्या है, प्राइम नंबर ना। 56 7 8 the 56, 7 क्या है, प्राइम नंबर, रेजिडीज इसको हम लिख देंगे, 8 के फैक्टर निकालो, 2 for the 8 ना, 2 रेजिडीज लिख देना है, 2 और 7 हमने लिख दिया, 4 के निकालो फैक्टर, 2 to the 4, ये सारे नंबर जो मिले वो क्या है, प्राइम नंबर्स।
है 10, 2 4 8, 2 5 10, तो 2 एज इट इज लिख देंगे, ये वाला भी 2 एज इट इज लिख देंगे, और ये फैक्टर 2 4, और 5 तो प्राइम नंबर है ही, ठीक है। तो 8 के भी सारे जो नंबर भी है वो सारे क्या है, प्राइम। 81 कौन से टेबल में आता है, 9 में, 9 9s आ 81, तो 9 के फैक्टर निकालो, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 इज आ 9, ओके 3 3 इज आ 9, तो 3 है वो क्या है, प्राइम नंबर। नाउ स्टूडेंट 70 है ये, 7 मल्टीप्लाई 10,